লঙ্গাইঘাট জিপিএস উমাবতী এনাথপুর বেতাইল আম্বরখানা ইমান নেবনীয় ভিলেজ আছিল সেই ভিলেজর নামগুলো মানে ধরছো এইফালে বহুত মানুষ মানে ইমান ফ্লাড হয়ে আছে ফ্লাডর কারণে বহুত মানুষ ঘরের উপর পানি গই আছে লঙ্গাই নদীর ওসর আছে লঙ্গাই নদীর ওসর যান ঘর বাড়ি আছে সব ডুবাই দিছে এই কারণে আজি মর মানে ফায়ার ব্রিগেডর এস ডি আর এফর যোগাযোগ করেছিল তার ভিতর এস ডি আর এফর ভাই বন্ধুগুলো আইছে তার সহযোগিতাতে মই বহুত কিছু মানুষ প্রায় 15-20টা পরিবার ফ্যামিলির মানুষ ঘরত আসলে এইগুলাক মই রেস্কিউ করেছো আমার লগতে এস ডি আর মানে বাহিনী হেল্প করেছে তারপরা মই রেস্কিউ করেছো আর বহুত মানুষ ঘর আছে কিছু মানুষ ঘর রয়ে আছে মানে ঘরের ভিতর জলটো উঠা নাই পানি উঠা নাই তাতে মানে গরু ছাগল আর বহুত মানুষ ঘরত রয়ে আছে খাওয়ার একো জিনিস নাই ঘরত মানে গরু ছাগলের নাই মানুষেরও খাওয়া নাই এই পানির বস্তুগুলো ঘরত পৌঁছাই দিব লাগিব যদি মানুষ বাঁচিবার কারণে হয় আর সব মানুষ যে আনি কত রাখব রাখারও মানে কোনো জায়গা নাই বহুত মানুষ আছে রেললাইনত আছে রেললাইনত কেতিয়াবা ট্রেইন আহে এই রেললাইনত বহুত কষ্ট হয়ে আছে আর যেমন স্কুল আসলে কিছু স্কুলত মানুষ গিয়ে কিনে এই স্কুলগুলো ভুল হয়ে গেছে বহুত ফ্লাড হয়ে আছে এই কারণে মই আসামর মানে চিফ মিনিষ্টার আর এই জলসম্পদ মিনিষ্টার পীযুষ হাজারিকা ডাঙরিয়া আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারক মানে রিকুয়েস্ট করেছো যে করিমগঞ্জ এই ন্যাশনাল ফ্লাড করে কিনে মানে করিমগঞ্জ হেল্প করো করিমগঞ্জ আর বরাকর মানুষ বিশেষ করে করিমগঞ্জ লঙ্গাই নদী কুশিয়ারা নদী আর বরাক নদীর ওসর যান মানুষ আছে মই নদীর ওসর তাকো এই কারণে মানে কই আছো মানে নদীর ওসর যান মানুষ আছে সবক মানে বাঁচাবার কারণে নেক্সট এটা ভালো এটা স্টপ লোক करीमगंज में सीवियर फ्लड्स रिपोर्ट हुआ है उसमें हमारे तीनों जो रिवर हैं कुशियारा लोंगाई और सिंगला तीनों डेंजर लेवल के ऊपर हैं जिसके कारण 30 रिलीफ कैंप्स ओपन हुए हैं जिसमें लगभग 9212 हमारे शरणार्थी हैं और जो विलेजेस अफेक्टेड हैं पॉपुलेशन अफेक्टेड है इज़ क्लोज टू 1.5 लाख सो इट इज़ अ सीवियर फ्लड्स एंड बट वी डू नॉट हैव एनी ब्रीच एनी डेथ रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ फ्लड्स एंड इफ द रेनफॉल सबसाइड्स वी होप द सिचुएशन विल इम्प्रूव दो दिन कौन सा दो दिन स्कूल बंद दिया गया है फ्लड के कारण 19 और 20 तारीख को बिकॉज सीवियर फ्लड्स आर देयर एंड रेनफॉल्स आर नॉट सबसाइडिंग तो वी हैव क्लोज द स्कूल्स और हम लोग वॉचफुल हैं इफ़ द सिचुएशन डजंट इम्प्रूव वील टेक द फर्दर एक्शन देखा गया है कि NDRF और SDRF ने रेस्क्यू कर रहा है तो ऐसे कितना आदमियों को रेस्क्यू किया और कौन कौन से गांव से रेस्क्यू किया है बोलो रिपोर्ट्स हमारे रेगुलरली आते रहते हैं जैसे आपको पता है यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जैसे कालीगंज घोरामरा सोनबिल एरिया जहाँ पे नॉर्मल रोड कम्युनिकेशन इज डिसरप्टेड तो वहाँ पे रिलीफ पहुँचाने का या रेस्क्यू करने का तरीका नाव और SDRF ही हैं सो एज पर द रिपोर्ट्स रिसीव ऑलमोस्ट 250 पीपल हैव बीन रेस्क्यूड एंड दिस ऑपरेशन हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर ऑलमोस्ट 2 डेज एंड जो हमारी फूड एंड सिविल सप्लाइज की टीम फायर एंड इमरजेंसी की टीम है वो हमारे काम कर रहे हैं रिसेंट रेनफॉल लो लाइंग एरिया इसके कारण फ्लडिंग हुआ है लेकिन दिस इज आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी वार्ड इज अफेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इज अफेक्टेड सो सिर्फ अर्बन फ्लडिंग ही नहीं है ये रेनफॉल का भी इशू है हमारे लास्ट 3 दिन में देखा गया है कि ऑन एन एवरेज 15 सेंटीमीटर के ऊपर रेनफॉल हो रही है विच इज़ वेरी हाई सो यस वी नीड टू टेक मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर इट ड्रेनेज इम्प्रूव करना पड़ेगा इंक्रोचमेंट हटाने पड़ेंगे और जो अराउंग लो लाइंग एरिया लोग रहते हैं उनका हम कैसे रिहैबिलिटेशन करें इसके बारे में सोचना हाँ जो मैंने लास्ट टॉक लिया था उसमें वी आर कंफर्टेबल रिगार्डिंग दिस थिंग एंड अभी भी हमारा जो शिलोंग का जो रोड है वहाँ पे भी 1-way कम्युनिकेशन है हेफलोंग रोड इज़ ओपन सो वी आर कंफर्टेबल एंड देर इज़ नो प्रॉब्लम बिकॉज देर इज़ नो ब्रीच एज सच एंड वी आर वॉचफुल इफ एनी इश्यूज इज देयर वील रिस्पॉन्ड রাস্তা দেখা যায়
फोटो लो वीडियो लो।